के लिए की जय। हाय गाइस, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग, जिसमें जो है बहुत ज़्यादा फन आने वाला है। अगर आप भी ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग करना चाहते हो तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्या इसका प्राइस रहता है और कितना इसमें एडवेंचर रहता है, क्या मजे होते हैं। तो सारी चीज़ें आपको आज की वीडियो में देखने को मिलेंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बाकी चलो अभी देहरादून से चलते हैं ऋषिकेश और फिर आपको भी हमारे साथ में करवाते हैं रिवर राफ्टिंग। तो यार अगर आप भी जो है राफ्टिंग करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो ग्लोबल हिल एडवेंचर, यहीं से मैंने भी करा था। और यहाँ पे जो आपको आना पड़ेगा ये जो मधुबन आश्रम है बिल्कुल उसके सामने ही है और यहाँ से आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि ये जो है ना जानकी सेतु के पास है, तो राफ्ट उतरेंगे भी यहीं पर, तो यहाँ से आपका पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक का हो जाएगा। तो यहीं पर आओ आप भी, वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। यहाँ पे आपको ये ही बहुत सारे मिल जाएंगे, तो अगर आपको कहीं और पे सस्ता मिलता है तो यहाँ पे किसी और जगह पे आप पता करके कर सकते हो। तो यार रेडी हो चुके हैं हम जो है ये पहन के, और अब ये सामने रही गंगा नदी, इसमें हम जाने वाले हैं, राफ्टिंग होगी हमारी। सो फाइनली यार हम आ चुके हैं ब्रह्मपुरी में और यहाँ से होगी ये देखो स्टार्ट। बाकी ये जो ऊपर वाली राफ्ट आ रही है ये आ रही है मरीन ड्राइव से, जो कि पड़ता है लगभग 24 किलोमीटर का, और उसका जो है प्राइस रहता है वैसे 1400-1500 के करीब, पर वीकेंड पे 1500 रहता है, वैसे 1000 रुपये के आसपास रहता है। और जो जो वाली मैं कर रहा हूँ इसका प्राइस रहता है 500-600 रुपये, और मैं दे रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये। ये मैं बता नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत जानने वाले लोग वैसे दे देते हैं अगर आप बार्गेनिंग कर सको तो। यार ये हमारी स्टार्ट होती है यहाँ से राफ्टिंग, और ज़्यादा लोग हैं नहीं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। हेलो गाइस, हम आ गए हैं राफ्टिंग करने के लिए। हमारी बोट का कलर है लाल, लाल है खतरे का। क्या खतरा हमें छुपाएगा या हम खतरे को छुपाएंगे, जानने के लिए देखिए। जानने के लिए देखते हैं रिवर राफ्टिंग UT304। ओके, अभी आपको थोड़ा रिवर सेफ्टी के बारे में बताऊँगा, तो थोड़ा ध्यान से सुनना, बीच में कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, क्वेश्चन करें तो लास्ट। ओके, राफ्टिंग सबका फर्स्ट टाइम है सेकंड टाइम? दोस्तों रिवर राफ्टिंग एक बहुत ही तगड़ा एडवेंचर स्पोर्ट है, इसलिए जो है गाइड के द्वारा बहुत सारे इंस्ट्रक्शन जो है बताए जाते हैं, पर ये वाला पार्ट मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये बोरिंग रहता है, और आपको लेके चलते हैं तगड़ा वाला जो एडवेंचर हमने करा। दोस्तों अभी गर्मियों का टाइम है, इसलिए जो है गंगा जी में पानी जो है बहुत कम रहता है कंपेयर टू आफ्टर मॉनसून, इसलिए जो है जो रैपिड्स हैं हमारे वो भी थोड़ा सा हल्के रहते हैं, इतने ज़्यादा बवंडर वाले नहीं रहते। अगर आप जो है फैमिली के साथ रिवर राफ्टिंग करना चाहते हैं तो गर्मियों के लिए जो है ना बहुत ही परफेक्ट टाइम रहेगा, बट अगर आप जो है एडवेंचर करना चाहते हैं तो आफ्टर आप जो है
मानसून के आप जो है ट्राई कर सकते हैं रिवर राफ्टिंग, जिसमें आपको जो है अल्टीमेट एडवेंचर हो जाएगा। मजा आ रहा भाई। सही है भाई, सही है। स्विमिंग आती है ना, कोई बात नहीं, मैं पकड़ लूंगा तुम्हें, टेंशन ना लो। ये लो रस्सी पकड़ के रखो। हाँ भाई पकड़, बस फिर आ जाओ भाई, आ जाओ। अभी तो पानी बढ़िया हो रहा है, इसके नीचे जा रहा है, ये बड़े खतरनाक है इसके नीचे, वही तो डुबाएंगे तो कहने पर वो नहीं मिलेगा। उतरी जाने ठीक है, ठीक है। ओए होए मजा आ गया भाई। हाँ सभी लोग आ रहे हैं। आ गया भाई तगड़ा वाला रैपिड, डबल ट्रबल, डबल ट्रबल। सबको मम्मी के हाथ की मैगी याद आ रही है। जाओगे पानी में? चलो जाओगे, चलो भाई पानी में। तो यार वो रही हमारी राफ्ट, उससे हम आ चुके बहुत दूर। ओह मुझे स्विमिंग नहीं आती तब भी आ चुका हूँ आगे। ये रही रस्सी का लास्ट पूरा, और ये सामने है लक्ष्मण झूला, 13 मंजिल जो मंदिर है। चलो चलो आ गया, आ गया। Thank you.
रामझूला में, और रामझूला रहेगा ना भाई हमारा एंडिंग पॉइंट, और ये रहा हमारा राफ्टिंग का जो एंड पॉइंट सामने रामझूला। एंडिंग पॉइंट से पहले देखिए लेमन ट्री प्रीमियर, यहाँ पर नई मूवीज की प्रीमियर यहीं पर होती है। और देखिए वहाँ बालकनी में कपड़े सूखते थे, इतने भावुक पल थे वहाँ पर। चल रहा है कि हमारे हिंदुस्तानी कहीं ना कहीं रहते हैं, इसमें जाओगे तो ये हाल है। सही में आज तो मौसम भी बहुत बढ़िया हो रहा है। ओ भाई वैसे यहाँ पे सही है नहाने के लिए, आओ आराम से अपने कोने में, पर्सनल स्पेस, बस ये स्विमिंग आनी चाहिए। भाई जान की सेतु से थोड़ा सा पीछे यहाँ पे जो है सारी सारी राफ्ट होती है, और यहाँ पे हमारा जो है राफ्टिंग होती है कंप्लीट। तो यार फाइनली जो है हमारी राफ्टिंग हो चुकी है ख़त्म, और ये वाली राफ्टिंग में जो है जितना मतलब एक्चुअली में जो है मैंने वो लंबी वाली करी हुई है 24 किलोमीटर वाली, तो ये 10-12 किलोमीटर वाली थी, इतनी ज़्यादा तगड़ी नहीं थी। और अभी पानी जो है ना बिल्कुल पानी कम रहता है और पानी साफ रहता है क्योंकि अभी गर्मियों का टाइम चल रहा है ना, इसलिए अगर यही बारिश का टाइम होता जो पिछली बार हमने करी थी जिसमें रैपिड जो है ना बिल्कुल बवंडर बने हुए थे भाई, इस बार हल्के वाली रैपिड थे, इतने ज़्यादा तगड़े नहीं थे। तो अगर आप भी जो है राफ्टिंग करना चाहते हो तो ऋषिकेश जो है बेस्ट प्लेस है, और ऋषिकेश में आप जो है ना जानकी जो सेतु है उसके पास से ही आप जानकी सेतु के पास से आप जो है अपनी राफ्टिंग का वो स्टार्ट कर सकते हो। बाकी यार आज का ब्लॉग जो है यहीं पे कर रहा हूँ मैं एंड, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों, अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं आपसे जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।